नमस्ते ट्रैक इंजीनियर्स पिछले भाग में हमने रेल के चुनाव के संबंध तक हमने पढ़ा था आइए आगे हम इस क्लास को फिर से शुरू करते हैं और आगे के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं हमारा पहला टॉपिक रहेगा इसके बाद वेल्डिंग पोर्शन के संबंध में तो वेल्डिंग पोर्शन में जिन बातों का हमको ध्यान रखना चाहिए उनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इस बेल्डिंग पोर्शन के संबंध में सवाल कई तरीके के पूछे जाते हैं छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ऑप्शंस में मल्टीपल चॉइस के तौर पर कई ढंग से दिए जाते हैं तो इन हरेक पॉइंट का आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अगर इन पॉइंट्स को अगर आप ध्यान में रखेंगे तभी आप ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन का जवाब दे पाएंगे तो हमारा सबसे पहला इसमें नियम है कि थर्मिट बिल्डिंग पोर्सन जो भी होना चाहिए थर्मिट बिल्डिंग पोर्सन आरडीएसओ अप्रूव्ड होना चाहिए जो भी थर्मिट बिल्डिंग पोर्सन जिस भी कंपनी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो आरडीएसओ चाहिए। दूसरा है कि बिल्डिंग जो हमारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं या बिल्डिंग पोर्सन हैं जिसमें बिल्डिंग पोर्स से की सेल्फ लाइफ निर्धारित नहीं है बिल्डिंग पोर्सन से की सेल्फ लाइफ निर्धारित न होने का अर्थ है कि बिल्डिंग पोर्सन की कुछ स्पेसिफिक लाइफ निर्धारित नहीं की गई है वो एक कंडीशन पर डिपेंड करती है कि जब तक वो बिल्डिंग पोर्शन सही सुचारू रूप से काम करता रहेगा या उपयोग में सही ढंग से वर्किंग करता रहेगा तब तक वह बेल्डिंग पोर्शन उपयोग में लाई जा सकती है तीसरा है कि एटी बोल्ड पोर्शन अगर मॉइस्चर एब्जोर्व कर लेता है किसी कारण से तो उसके बाद वह किसी भी हालात में वह उपयोग के लायक नहीं रहता है मान लिया किसी कारण से एटी बोल्डिंग पोर्शन को रखने में उनमें किसी प्रकार का मॉइस्चर कंटेंट वो कर चुका है तो बाकी दिख तो सही रहा होगा लेकिन इसके बावजूद भी उस एटी वेल्डिंग पोर्शन को हम अब उपयोग में नहीं लाएंगे जैसा कि कि पहले बात की की बिल्डिंग पोर्शन कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती है परंतु इसके बावजूद भी अगर बिल्डिंग पोर्शन दो साल से ज्यादा पुराना हो गया है यानी उसका दो साल हो चुका हो जिस लॉट का उसके बाद उसको उपयोग करने के पहले उसे कुछ जांच से गुजरना होगा और उस जांच में जांच के सही रिजल्ट आने के बाद ही उस एटी बिल्डिंग पोर्शन को हम इस्तेमाल कर पाएंगे जैसे पहला है कि स्टोर में उपलब्ध बिल्डिंग पोर्शन के चाहे वो तीन सौ का लॉट हो या छह सौ का लॉट हो उस प्रत्येक लॉट में से एक हमको बिल्डिंग पोर्शन लेना है इनमें आप कोई भी वहां से उसमें से चुन सकते हैं और उसे का रिएक्शन टेस्ट कराना होता है अगर रिएक्शन टेस्ट का रिजल्ट अगर सामान्य आता है तो हम उस वेल्डिंग पोर्शन को उपयोग में ला सकते हैं सेकंड है कि यदि रिएक्शन अगर बॉइलिंग आ रहा है या क्वाइट हो रहा है तो फिर क्या करेंगे एक और पोर्शन लेंगे और फिर उसको टेस्ट करेंगे और उस वेल्ड की बेट वेल्ड मेटल डेंसिटी टेस्ट और लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट किया जाएगा और टेस्ट का रिजल्ट अगर निर्धारित सीमा के अंदर आता है तो जिस पोर्शन से जिस बिल्डिंग पोर्शन के लॉट से हमने इस पोर्शन को लिया है वह पूरा लॉट इस्तेमाल के लायक हो जाएगा और अगर वो लिमिट के अंदर नहीं आता है तो पूरा का पूरा लॉट ही डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा तो इसमें अपने जो आइटम्स समझे हैं उसे को रिवाइज करता हूं कि सबसे पहला तो थर्मिट वेल्डिंग पोर्शन आरडीएस को अप्रूव होना चाहिए

अगर हमने एक पोर्शन को लेकर रिएक्शन टेस्ट किया और वो सही रहा तब तो हम उस बैच को इस्तेमाल कर लेंगे अगर उसका रिएक्शन टेस्ट अगर सही नहीं आता है तो हम एक दूसरा पोर्शन लेंगे और उसका भी टेस्ट करेंगे उसमें मेटल डेंसिटी टेस्ट और लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट दो मेटल डेंसिटी टेस्ट और लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट इसमें किया जाएगा अगर इस टेस्ट का रिजल्ट लिमिट के अंदर आता है जो निर्धारित लिमिट डिफाइन की गई है तो उस पूरे लॉट को इस्तेमाल किया जाएगा और अगर इस बिल्डिंग पोर्शन में मेटल डेंसिटी टेस्ट और लोड डिफ्लेक्शन टेस्ट का रिजल्ट अगर सीमा के अंदर नहीं आता है तो पूरा का पूरा चाहे वो 300 का लॉट हो या 600 का लॉट हो पूरा का पूरा जो लॉट है वो डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा तो ये इस प्रकार के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं अगला है कि खराब बिल्डिंग पोर्शन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए हमें किस ढंग से उसे डिस्पोज ऑफ करना पड़ेगा तो खराब बिल्डिंग पोर्शन को डिस्पोज ऑफ करने के लिए कहीं किसी दूर खड्डे में जाकर के एक खड्डा बना दिया जाएगा और उस खड्डे में अधिकतम एक बार में पांच बिल्डिंग पोर्शन को जला दिया जाएगा नेक्स्ट है कि बिल्डिंग हेतु न्यूनतम ट्रैफिक ब्लॉक कितना चाहिए जिसे हम सामान्य भाषा में इंजीनियरिंग ब्लॉक कहते हैं एक्चुअली वो ट्रैफिक ब्लॉक होता है तो एक वेल्डिंग के लिए न्यूनतम ट्रैफिक ब्लॉक कितने से की जरूरत होती है तो एक एटी बिल्डिंग पोर्शन को करने के लिए जिसमें कि अलग अलग प्रकार के शॉर्ट प्रीहीटिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल किया जाता है उसके आधार पर सत्तर से पचहत्तर मिनट एक वेल्डिंग को करने के लिए इंजीनियरिंग ब्लॉक या ट्रैफिक ब्लॉक की आवश्यकता पड़ती है परंतु यदि हमने हीट ट्रीटेड रेल को वेल्ड किया है ध्यान रखेंगे अगर हीट ट्रीटेड वेल्ड अगर इस्तेमाल किया गया है तो इस सत्तर से पचहत्तर मिनट के समय में ये सात से आठ मिनट का समय और जोड़ दिया जाएगा अगर हमने हीट ट्रीटेड रेल को वेल्ड करना हो तो इस यहाँ पर सात से आठ मिनट का अतिरिक्त समय लगता है तो ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आता है अक्सर परीक्षा में कि एक ए वेल्ड को करने के लिए न्यूनतम कितना समय लगता है सत्तर से पचहत्तर मिनट परंतु तो सवाल अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि हीट ट्रीटेड रेल को अगर बिल्ड किया जाए तो कितना लगेगा तो इसका जवाब है ये बढ़ जाएगा इसमें सात से आठ मिनट आप और ऐड कर दीजिए यानी कि सत्तर से तकरीबन एटी थ्री मिनट के आसपास इसमें समय लगेगा और इसका मूल कारण है कि ताकि वो बाकी बचा हुआ समय हो सात से आठ मिनट कर दिया जा रहा है उसमें इसकी कंट्रोल कूलिंग की जा सके अब बात करते हैं बिल्डिंग किए जाने वाले से पूर्व से पूर्व में जो तैयारियां हमको करनी है वो कौन कौन सी तैयारी करनी है अभी तक हमने रेल के संबंध में हमने जानकारी प्राप्त कर ली और बिल्डिंग पोर्शन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली ये दो मुख्य अभियम है जो रेल बिल्डिंग करने के काम में आती है सबसे पहले रेल की सिरे की तैयारी पहले हमने रेल का चुनाव किया था फिर बिल्डिंग पोर्शन की क्वालिटी के चुनाव की थी अब हम करते हैं रेल के सिरे की तैयारी जिस पोर्शन को हमको बिल्ड करना है उस जहां पर हमको वेल्डिंग करनी होती है रेल के सिरे की तो उस रेल सिरे के आसपास में कुछ क्लीनिंग करनी पड़ती है तो उसकी हमको तैयारी करनी है तो जिन रेलों को वेल्ड करना है उन रेलों को एंड फेस और 50 मिलीमीटर अंदर तक फूट हो हेड हो वेब हो उनको कैरोसिन ऑयल और बायोवर्स बार की सहायता से साफ करना होता है आप समझ रहे हैं कि अगर हमने एक ये मान कि रेल है तो ये वाला जो फेस हो गया ये फेस और यहां से लेकर के ये पचास मिलीमीटर तक रेल का पोर्शन, ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है हमको साफ करना है कैरोसिन ऑयल और बायोवर्स की सहायता से और इनमें सफाई क्या करनी है डर्ट करना है ग्रीस करना है रेस्ट करना है और अगर इस पोर्शन में कोई बर दिखाई देता है तो उसे चीजल से काट करके या ग्राइंडर से घिस करके उसे हटा देना चाहिए किसी भी एटी बिल्डिंग पर के सामान्यतः चार मीटर दौड़ तक में कोई भी जोड़ या फेस प्लेट नहीं होना चाहिए अर्थात जब भी आप बिल्डिंग कर रहे हो मान लें कि आप इस पोर्शन में यहां पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो यहां से चार मीटर इधर और चार मीटर इधर किसी भी प्रकार का कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए चाहे वो फिश प्लेटेड जोड़ हो या कोई और भी जोड़ हो तो चार मीटर के अंदर में कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए अब बात करते हैं गैप के बारे में तो उसमें गैप कितना रहेगा तो जिन रेलों को वेल्ड करना होता है उन रेलों के इंड फेस के बीच में एक तो यूनिफॉर्म गैप होना चाहिए और वर्टिकल गैप होना चाहिए अर्थात जो गैप है ये बिल्कुल वर्टिकल होना चाहिए और नीचे से लेकर के ऊपर तक ये गैप हर जगह एक समान होने चाहिए एक जैसा होना चाहिए ये दो बातें ध्यान रखनी है ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं अक्सर तो रेलों के इंड फेस के बीच में जो गैप है वो यूनिफॉर्म होना चाहिए और वर्टिकल गैप होना चाहिए नेक्स्ट है कि अगर हम किसी डिफेक्टिव बेल्ड या फ्रैक्चर के रिपेयर हेतु अगर हम वाइडर गैप बेल्डिंग का सिस्टम का प्रयोग कर रहे हैं आपको पता है 25 1, 25 प्लस माइनस यानी का जो गैप हम करते हैं वो नॉर्मल बेल्ड कहलाता है और 50 एम mm के गैप और 75 एम mm का गैप जो हम इस्तेमाल करते हैं उसे वाइडर गैप बिल्डिंग किया जाता है इन गैप वाले वेल्ड पोर्सन को रेलों को वेल्ड करने के लिए हम इसका मुख्यतः उपयोग जो हम इस करते हैं वो करते हैं सामान्यतः डिफेक्टिव वेल्ड या फ्रैक्चर्स को रिपेयर करने के लिए हमें अगर पूरा रेल नहीं बदलना है और हमारा फ्रैक्चर कुछ इस टाइप का है कि अगर हम 75 एमएम mm का उसमें से कट लगा सकते हैं तो हम वहां पर बगैर रेल बदले हुए सिर्फ उतने पोर्सन को काट करके इन बेल बेल्ट को किया जा सकता है और कम समय में और कम खर्च में यानी कि बिना रेल का एक्स्ट्रा रेल का इस्तेमाल किए हुए वेल्डिंग की जा सकती है तो आपको यहाँ पर पचास का बेल्ट और पचहत्तर वेल्डिंग में कहलाएंगे और पच्चीस प्लस माइनस वेल्डिंग गैप को सामान्य वेल्डिंग गैप कहा जाता है अब करते हैं इन सीटू वेल्डिंग के संबंध में कि इन सीटू वेल्डिंग में क्या होता है तो इन सीटू वेल्डिंग में रेल जोड़ के दोनों ओर कम से कम पांच स्लीपर तक के रेल फास्टनिंग मुक्त होने चाहिए हमने रेल तो सफाई कर दी तो सबसे पहला है कि हमें जब बिल्डिंग कर रहे होते हैं तो रेल जोड़ को फास्टनिंग मुक्त करना पड़ता है तो जिस पोर्शन में हम बिल्ड कर रहे होते हैं मान लिया कि यहां पर हमको बिल्ड करना है तो यहां से इधर रेल इधर रेल तो इधर इधर तो पांच स्लीपर तक और इस साइड में पांच स्लीपर तक के आपको ईआरसी आपको खोल देने हैं रेल की फास्टनिंग खोल देनी है ताकि इन्हें प्रॉपर अलाइनमेंट हो सके साथ ही साथ जब हम जैसे मान लिया ये स्लीपर है दोनों और यहां पर इस पर से रेल है जहां पर यहां पर मुझे बेल्ड करना है तो वर्किंग करने के लिए दोनों तरफ कम से कम 250 सौ mm पचास का गैप हमको मिलना चाहिए अगर यह गैप नहीं मिल रहा है मान लिया जोड़ यहां पर है या यहां पर है तो हमें क्या करना पड़ेगा स्लीपर को खिसकाना पड़ेगा और स्लीपर को खिसका के कम से कम ढाई सौ एम का गैप हमको उसमें प्राप्त करना चाहिए ताकि वहां पर वेल्डिंग इक्विपमेंट लगाने में किसी प्रकार की रुकावट ना हो अब इसके बाद बात आती है सीस की शेष पर वेल्डिंग करने में किन बातों का ध्यान रखना होता है तो शेष में जब हम वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो वहां पर तो जो रेले हैं आपको जब हम इन सीटू कर रहे होते हैं तो उसकी अलाइनमेंट के लिए स्लीपर ऑलरेडी पहले से बिछा होता है तो यहां पर भी हमको स्लीपर बिछाने पड़ेंगे स्लीपर नहीं बिछाएंगे तो हमको गुटके लगाने पड़ेंगे तो यहां पर रहता है कि कम से कम दस दस स्लीपर का सपोर्ट हमको देना पड़ेगा जैसे कि अगर हम रेल को वेल्ड कर रहे हैं और इस पोर्शन में हमको वेल्डिंग करनी होती है तो यहां पर हमें वेल्ड करना है इस पोर्शन में हमको यहां पर वेल्ड करना है तो इधर भी एक दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस इधर भी दस और इधर भी एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस हमको दोनों तरफ दस दस स्लीपरों का हमको सपोर्ट देना होता है ये परीक्षा में पूछा जाता है ये वाला आप ध्यान रखिएगा यहाँ परीक्षा में पूछा जाता है ये 250 सौ पचास परीक्षा में पूछा जाता है और ये पांच स्लीपर के सवाल परीक्षा में पूछे जाते हैं तो इस स्लाइड में में कुल तीन तीन प्रकार के सवाल तीन सवाल आपको एमसीक्यू पूछे जाते हैं कि रेल जोड़ के दोनों ओर कम से कम कितने स्लीपर खोले जाने चाहिए अगर इन टू वेल्डिंग की जा रही हो तो दूसरा रेल जोड़ के दोनों ओर के स्लीपर को कितना खिसकाया जाता है ताकि वेल्डिंग इक्विपमेंट को लगाया जा सके और तीसरा अगर सेस पर वेल्डिंग कर रहे हैं तो रेल की पूरी लंबाई को कम से कम कितने स्लीपरों का सपोर्ट दोनों तरफ से मिलना चाहिए अब हम बात करें अलाइनमेंट की तो सबसे पहले है लेटरल सिधाई की बात करते हैं यहां पर आप स्क्रीन स्क्रीन पर आप एक पिक्चर देख रहे होंगे इस पिक्चर के पिक्चर के थ्रू आप समझने का प्रयास कराता हूं पहला तो सबसे बड़ा बात है कि रेल सिधाई जो ली जाती है बिल्डिंग करने के पूर्व वह एक मीटर का स्ट्रेटेज इस्तेमाल किया जाता है ये बात आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर एक मीटर के स्ट्रेट से सिधाई मापी जाती है और यह सिधाई जो है इसकी जो सीमा है वो प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव mm एमएम में होनी चाहिए हम लेटर सिधाई की बात कर रहे हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होंगे कि अगर रेल ये सेंटर पोर्सन में अगर अलाइनमेंट अगर आपको नहीं मिल रहा है तो यहाँ पर अलाइनमेंट आपको जीरो पॉइंट फाइव से ज्यादा का गैप यहाँ पर नहीं होना चाहिए यहां माइनस जीरो पॉइंट फाइव एम एम यहाँ पर आ रहा है पर अगर ये अलाइनमेंट बाहर की ओर निकल रहा है तो आपको यहां पर गैप नहीं मिल पाएगा फिर आपको जो ये जीरो mm पर आपको दिखेगा mm के तौर पर पर ये गैप यहीं है क्योंकि इसी चीज को अगर अगर आप दूसरी तरफ तरफ में इस में इस अलाइनमेंट लेकर के अगर आप देखें तो यहां पर भी आपको पॉइंट फाइव एम एम दिख जाएगा तो इसी चलते यहां पर प्रैक्टिकली हम इस ढंग से देख पाते हैं लेकिन थ्योरेटिकली जब हमसे पूछा जाता है तो कि रेल इनके गेज फेस का लेटर सिदाई जोड़ करने के पहले या जोड़ बनाने के पहले कितना होना चाहिए तो वह रहता है प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव एम की सीमा में होना चाहिए और यदि मान ले कि हमने पुराने रेल इस्तेमाल कर रही है पुराने रेल अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस कंडीशन में हो सकता है कि एक रेल का हेड कम चौड़ा हो और दूसरे रेल का हेड ज्यादा चौड़ा हो तो ज़... अगर इन दोनों रेल के हेड में अगर कोई अंतर पाया जाता है जोड़ अगर दोनों हेड में मान लें ये कितना है और एक का हेड इतना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि इस कंडीशन में जो गेज फेस साइड है उधर बराबर कर देंगे और जो नॉन गेज फेस साइड है उसको वहां पर बराबर करने की आवश्यकता नहीं है अगर वहां पर ज्यादा है तो, तो अगर रेल के हेड में कोई भी अंतर पाया जाता है तो इस अंतर को नॉन गेज फेस साइड की ओर में एडजस्ट किया जाएगा समझ गया इस बात को तो इस बात का ध्यान रखना है और यह अलाइनमेंट तो देखा जाता है वो हेड से चौदह एम mm नीचे देखा जाता है तो यह भी सवाल परेशान जाता है कि लेटरल जो सीधाई होती है वो रेल हेड से कितना एमएम mm नीचे मापी जाती है अब नेक्स्ट है कि अगर एक मीटर सीधे किनारे से मापने पर जोड़ पर यहां पर वर्टिकल की बात की जा रही है यहां पर हम जो बात कर रहे हैं ये वर्टिकल

बावन के जी का हो या कोई भी हो अगर बहत्तर यूटीएस रेल का इस्तेमाल किया हुआ है तो आपको वेजेज लगा करके इसको इस ढंग से रखना है कि ताकि जब एक मीटर का स्ट्रेटेज एक मीटर के रखर वाले को बीच में रखेंगे और इधर पीछे में आधा मीटर और दूसरी तरफ में आधा मीटर रखा गया जाए जाएगा तो यहां पर हल्का सा बीच में ये जो रेल रहेगी इसकी इसको थोड़ा वेजेज लगा के उठाया जाएगा तो अगर बहत्तर यूटीएस की रेल है तो इसमें तीन से चार एम की आपको ऊंचाई मिलनी चाहिए यहां पर इस पोर्शन में आपको तीन से चार एम की ऊंचाई मिलनी चाहिए क्योंकि जैसे आप बीच वाला पोर्शन को लगा करके उठाएंगे तो इसका सारा का सारा असर आपको एस्टेटेज के एक तरफ जाकर मिलेगा तो यहां पर अगर बहत्तर यूटीएस की रेल है तो वहां पर तीन से चार एमएम का यहां पर गैप आपको मिलना चाहिए लेकिन अगर यही दूसरी रेलें हैं नाइनटी यूटीएस है या उससे ऊपर की यूटीएस की रेलें हैं तो वहां पर आप अधिक से अधिक दो से लेकर के टू पॉइंट 4 तक आप इसे टू इसे 2 से टू 2. पॉइंट लिखा हुआ रहता है यहां पर में 2 से 2. लिखा हुआ है तो टू से टू पॉइंट रखा जाएगा ठीक है अब इसे अब जो ये ऊंचाई है कैसे प्राप्त किया जाएगा जैसा बात किया था आपसे हमने तो ये हम जो प्राप्त करेंगे ये वेजेस की सहायता से वेजेस क्या होते हैं लकड़ी के टुकड़े होते हैं जैसे कि इसे सहायता से इसे प्राप्त किया जाएगा Next है कि रेल के सिरे के बीच के गैप का अलाइनमेंट अगर पूरा हो गया है हमने लैटरल अलाइनमेंट कर लिया और वर्टिकल अलाइनमेंट हमने पूरा कर लिया तो लैटरल अलाइनमेंट और वर्टिकल अलाइनमेंट के बाद एक बार हमने गैप का संरेखण कर लिया तो इसके बाद इसे फिर से एक बार जांच कर लेना है रेल के सिरे के बीच के गैप अलाइनमेंट पूरा होने के बाद और साथ ही साथ गैप पूरा होने के बाद रेल के फुट पर और साथ ही ज्वाइंट स्लीपर पर डेटम निशान मार्क कर देने चाहिए यानी बगल के स्लीपर पर रेल पर साथ में और स्लीपर पर एक डेटम लाइन मार्क कर देने चाहिए आप चौक से मार्क कर सकते हैं या किसी मार्कर से मार्क किए जा सकता है कारण क्या है कि जब हीटिंग होगी तो इसमें लेटरल मूवमेंट आएगा या टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो इसमें लेटरल मूवमेंट आएगा सॉरी मतलब लैटरल मतलब गति आएगी रेलें आपकी लंबाई में ये घटे और बढ़ेगी लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट यहां पर आएगा तो यदि प्री हीटिंग के दौरान अगर अत्यधिक अगर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट अगर हमको आता है और वह लिमिट्स अगर बाहर जाता है जिसके कारण आपके गैप में आ जाता जा 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 है वेल्डिंग गैप अगर आपको एक्स्ट्रा हो रहा है जैसे कि 25 फाइव एम एम का आप कर रहे हैं 25 फाइव एम एम प्लस माइनस वन यानी कि 24 से लेकर के 26 से तक रहता तो ठीक है अगर लेकिन इससे अगर ज्यादा आ जाता है तो जोड़ की वेल्डिंग को फिर थोड़े समय के लिए हमको रोकना पड़ेगा और जोड़ को ठंडा होना देना पड़ेगा ताकि वेल्डिंग गैप हुई अगर चौबीस से छब्बीस एम के बीच में आ जाए अगर हम ट्वेंटी फाइव गैप की वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो अब बात करते हैं मोल्ड के बारे में तो मोल्ड के संबंध में हमें किन बातों का ध्यान रखना है पहली बात है कि बिल्डिंग के लिए केवल बिल्डिंग पोर्शन निर्माता के द्वारा आपूर्ति किए गए ही वेल्ड का इस्तेमाल करना है यानी जिस कंपनी का जिस वेल्डिंग पोर्शन कंपनी का हम पोर्शन इस्तेमाल कर रहे हैं उसी के द्वारा दिए गए मोल्ड का हम इस्तेमाल करेंगे नेक्स्ट है कि इनका निर्माण जो होता है मोल्ड का मोल्ड का निर्माण जो होता है हाई सिल्का सैंड को सोडियम सिलिकेट के साथ मिलाकर के बनाया जाता है और बाद में उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित किया जाता है ताकि उसमें छोटे छोटे होल्स पैदा हो सके जो गर्मी जब हम गर्म करते हैं तो उसमें उसमें से गैसे निकल सके और इसका जो स्पेसिफिकेशन कोड है वो आई एस है तो मोल्ड के जो स्पेसिफिकेशन जो बना होना चाहिए वो आई एस के अनुसार से होना चाहिए तीसरा है कि थ्री पीस मोल्ड का ही इस्तेमाल करना है वर्तमान समय में हम थ्री पीस मोल्ड का ही इस्तेमाल कर रहे हैं जैसे बिल्डिंग पोर्शन की सेल्फ लाइफ के बारे में हमने बात किया था कि बिल्डिंग पोर्शन की कोई सेल्फ लाइफ नहीं होती है परंतु तो मोल्ड के बारे में बात किया जाए कि मोल्ड का जो सेल्फ लाइफ है वो न्यूनतम जो होता है वह निर्माण से यानी कि जिस समय उसका मैन्युफैक्चरिंग किया गया है उससे 12 महीने तक कम से कम उसका होना चाहिए तो यहां पर यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि मोल्ड की सेल्फ लाइफ क्या होती है तो मोल्ड की सेल्फ लाइफ कम से कम बारह महीने तक होनी चाहिए मोल्ड की मजबूती का पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे तो बार जिस प्रकार हम बिल्डिंग पोर्सन की वैसे तो सेल्फ लाइफ कुछ भी नहीं थी फिर भी हम दो साल के बाद उसे चेक करते थे इसमें तो न्यूनतम बारह महीने दे भी दिया गया है तो बारह महीने की समाप्ति के बाद मोल्ड के जोड़ का एक परीक्षण किया जाएगा उस परीक्षण में अगर वो सही आता है तो मोल्ड को फर्दर हम इस्तेमाल कर सकते हैं अब आगे बात करते हैं मोल्ड के बारे में कुछ और जानकारियां कि रेल के सिरों को जोड़ने पर या मोल्ड को लगाते समय आपको यह ध्यान रखना है कि जो गैप है बिल्डिंग जो गैप है उसकी जो सेंटर लाइन है और मोल्ड लगाने के बाद जो मोल्ड की सेंटर लाइन है दोनों एक समान होने चाहिए ये परीक्षा में पूछ रहा था ये सवाल ऑब्जेक्टिव के लिए है कि रेल के गैप का केंद्र मोल्ड के केंद्र रेखा के साथ एक समान होना चाहिए संरक्षित होना चाहिए अगर ऐसा नहीं होगा तो तेढ़ा जोड़ होने की यानी क्रॉस ज्वाइंट बनने की संभावना बनी रहेगी और क्रॉस ज्वाइंट बन सकता है रिएक्शन के, के, के दौरान धातु के छीटे रिएक्शन के दौरान धातु के छीटे से रेल की ऊपरी सतह की रक्षा के लिए जैसे कि उसमें जब बॉइलिंग होगी रिएक्शन होता है तो उसमें से कुछ कंटेंट निकल करके बाहर आ सकते हैं जो कि रेल के हेड पर गिरेंगे और रेल का हेड खराब हो सकता है तो मोल्ड के दोनों ओर रेल की सतह को धातु के कवर से ढका जाएगा रेल कवर जिसको बोल सकते हैं और या नहीं तो अगर ये नहीं उपलब्ध है तो दोनों तरफ पंद्रह सेंटीमीटर तक लूटिंग सैंड से उसको ढक दिया जाएगा ताकि अगर उस पर के दौरान धातु के छिटे पड़ते हैं धातु के कुछ मेटल कंटेंट अगर उड़ करके आता है और उससे रेल हेड को बचाव किया जा सके अब बात करें प्री हीटिंग के बारे में कि प्री हीटिंग में किन बातों का हमको ध्यान रखना है तो रेल के सिरों को तो सबसे पहले इसमें ध्यान रखना है कि इसे कम से कम 650 डिग्री सेल्सियस तक ये इसका तापमान किया जा सकता है तो परीक्षा में आपसे पूछा जाता है कि प्री हीटिंग करते वक्त में रेल को किस तापमान तक गर्म किया जाना चाहिए तो पहला है साढ़े 650 एम तक करना चाहिए अधिकतम कितना कर सकते हैं तो अधिकतम 850 850 डिग्री तक सेल्सियस तक, तक कर सकते हैं अर्थात रेल का तापमान 650 डिग्री से 850 डिग्री से ज्यादा नहीं होगा अब इन रेलों को गर्म करने के लिए हम जिन विधियों का प्रयोग करते हैं जो शॉर्ट प्री हीटिंग मेथड का इस्तेमाल करते हैं उनमें से कौन कौन से शॉर्ट सेटिंग मेथड्स हैं सबसे पहला हम जो इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे एयर पेट्रोल बर्नर एयर पेट्रोल बर्नर ये हमारा पहला मेथड है तो एयर पेट्रोल बर्नर को जो हम इस्तेमाल करेंगे तो इसके कंप्रेसर टैंक का प्रेशर कितना होगा यहां पर ध्यान रखें कि एयर पेट्रोल बर्नर हमारा सबसे पुराना है यहां पर ये पुराना सिस्टम है यहां पर जो प्रेशर होगा वो सेवन के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर और उससे दस परसेंट इसका ज्यादा हो सकता है पॉइंट सेवन जीरो तो यहां जो प्रेशर है ये सात से सेवन पॉइंट सेवन जीरो तक हो सकता है और इससे निर्धारित टेम्परेचर लाने में दस से बारह मिनट का समय लग जाता है अगला है कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल में जो प्रेशर रहेगा कंप्रेसर टैंक का वो 0.2 से 0.3 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और इसमें लगने वाला जो समय रहेगा निर्धारित 650 डिग्री टेम्परेचर प्राप्त करने के लिए वो चार से साढ़े पांच मिनट का समय लगता है तीसरा है ऑक्सी एलपीजी विधि तो ऑक्सी एलपीजी विधि में जो दो चीजें इस्तेमाल हो रही है ऑक्सीजन और एलपीजी सिलेंडर तो यहां पर ऑक्सीजन का प्रेशर जो रखा जाएगा वो सात से आठ के पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर रखा जाएगा वहीं एलपीजी का प्रेशर दो से ढाई किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रखा जाएगा और यह सबसे कम समय लेता है तो इसमें निर्धारित तापमान 650 डिग्री प्राप्त करने के लिए दो से ढाई मिनट का इसमें समय लगता है तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म इसमें से इसमें कई है सबसे पहला तो रिल का तापमान न्यूनतम छह डिग्री सेल्सियस तक पहुंचना चाहिए अधिकतम 850 डिग्री हो सकता है उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए रेल पे को गर्म करने के लिए तीन विधियां इस्तेमाल की जाती है जिन्हें शॉर्ट प्रीहीटिंग मेथड कहा जाता है तो शॉर्ट प्रीहीटिंग मेथड के लिए तीन प्रकार के मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं एयर पेट्रोल बर्नर कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल बर्नर और ऑक्सी एलपीजी मेथड तो इन तीन मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं एयर पेट्रोल बर्नर में सात से लेकर के पॉइंट यानी कि दस ज्यादा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर का कंप्रेसर टैंक का हो सकता है और अगर इसे दूसरे यूनिट में देखें तो हंड्रेड प्लस टेन एल हो सकता है तो यहां पर लगेगा ताकि आप छह सौ से पचास डिग्री सेल्सियस का तापमान प्राप्त कर सके वही अगर कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल जो इससे मोडिफाइड है तो इसमें टैंक का जो प्रेशर है वो रखा जाएगा पॉइंट जीरो से लेकर के पॉइंट थ्री पर सेंटीमीटर स्क्वायर रखा जाएगा और इसमें लगने वाला समय चार से साढ़े पांच मिनट का होगा वहीं ऑक्सी एलपीजी मेथड का इस्तेमाल करते हैं तो प्रेशर जो है वो सात से आठ किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर ऑक्सीजन का और एलपीजी का दो से ढाई किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा और इसमें लगने वाला सबसे समय दो से ढाई मिनट का होगा तो यहां पर देख रहे हैं कि दो से ढाई मिनट लगेगा ऑक्सी में चार से साढ़े मिनट लगेगा कंप्रेस्ड एयर पेट्रोल में और 10 से 12 लगेगा एयर पेट्रोल बर्नर में तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनसे बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं तो इस स्क्रीन का इस स्लाइड का सारे डेटा आपको बार बार पढ़े ताकि आप उसे याद रख पाए अब बात करें कि रेल को पहले से गर्म करने की प्रक्रिया हमारी पूरी हो गई है तो बर्नर के हटाने के बाद रेल के सिरे के तापमान मापने के लिए जैसे हमने 10 से 12 मिनट गर्म कर दिया पर क्या एक्चुअली उसको उतना समय लगने के बाद क्या रेल का तापमान प्राप्त हो गया है ये कन्फर्म कैसे करेंगे तो इसे कंफर्म करने के लिए हमें तापमान मापने के लिए कुछ इंस्ट्रूमेंट का हमको प्रयोग करना है जिसमें इस्तेमाल हम करते हैं तीन तरह के इस्तेमाल करते हैं सिस्टम पहला ऑप्टिकल पायरोमीटर पायरोमीटर तापमापने का एक यंत्र है कॉन्ट्रैक्ट टाइप पायरोमीटर एक कॉन्ट्रैक्ट टाइप का पायरोमीटर है दूसरा और तीसरा है तापमान इंगित करने वाले क्रोयन यानी चौक का प्रयोग किया जाता है इस चौक को घीस करके इसके कलर चेंज करने के आधार पर आप बता सकते हैं इसका तापमान हाँ पहुंच गया है ये कॉन्टैक्ट टाइप है जिसे टच कराना पड़ेगा आपको रेल को ताकि उसका टेम्परेचर मालूम हो सके ये ऑप्टिकल पायरोमीटर है दूर से लेजर बीम के थ्रू ही आपको पता चल जाएगा कि रेल का तापमान पहुंचा या नहीं पहुंचा अब इसके बाद अगर हम आगे देखें कि रेल गर्म करने के उपरांत क्रूसिबल को मोल्ड के ऊपर उचित स्थान पर लगाया जाएगा अब रेल हमारी गर्म हो चुकी है अब हमें इस अगला स्टेप क्या रखना है क्रूसिबल उसके ऊपर रखना है तो क्रूसिबल और क्रूसिबल का जहां से पोरिंग गेट होगा क्रूसिबल का जहां पोरिंग गेट होता है जहां से मेटल निकलेगा और टैप होल जो कि अपने पोर्सन मोल्ड को लगाया है तो मोल्ड में जहां से कि टैप होल ये पोरिंग गेट हो गया मोल्ड के ऊपर का और सॉरी टैप होल हो गया आपको क्रूसिबल में तो टैप होल और पोरिंग गेट जैसे कि यहां आपको बेल्ड मेटल गिरना है और यहां से ड्रॉप होना है तो इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी पचास मिलीमीटर की होगी ये परीक्षा में सवाल अक्सर पूछा जाता है तो यहां पर आप देखिए कई प्रकार के सवाल आपसे हो गया कि रेल का तापमान मापने के लिए ऑप्टिकल पैरोमीटर इस्तेमाल किया जाता है कॉन्टैक्ट टाइप पैरो इस्तेमाल किया जाता है और क्रोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और पोरिंग गेट के टॉप और टैप होल के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस कितनी होगी पचास मिलीमीटर mm की होगी तो उस प्रकार इसमें दो प्रकार के मुख्य सवाल आपको आ गए। अब पहली बेल्ड करने से पहले जो हम क्रूसिबल का इस्तेमाल कर रहे हैं अगर हम एक ही क्रूसिबल का बार बार इस्तेमाल करते हैं तो पहली बेल्ड करने से पहले क्रूसिबल में नमी को दूर करने के लिए क्या किया जाता है इसमें अगर मैग्नेसाइट या स्ट एलुम स्लैग से बनी आग की रोक जो रेफ्रैक्टरी मटेरियल होता है और उसके नीचे के पत्थर थिम्बल क्रूसिबल को पहले से गर्म किया जाएगा ये सारी व्यवस्था इसमें की हुई रहती है यानी कुल मिलाकर के कहने का अर्थ हो गया कि पहली बेल्ड करने के पहले क्रूसिबल को आपको गर्म करना है क्यों गर्म किया जाता है ताकि उसके अंदर से मॉइस्चर कंटेंट बाहर निकल सके हर चीज का उद्देश्य समझना पड़ेगा कि इनका उद्देश्य क्या है क्यों हम काम कर रहे हैं तो पहल जब पहले वेल्ड करेंगे इस सारा हमने कर दिया मैग्नेसाइड से रोग सामग्री रिफ्रैक्ट्री मटेरियल रिपेयर वगैरह कर दिया उसके बाद उसके उसके बाद यूज करने के पहले हमें क्रूसिबल को गर्म करना पड़ेगा और ताकि गर्म करने का मुख्य रीजन यही होगा कि इसकी की नमी बाहर निकल सके इसके बाद प्रत्येक अभिक्रिया के बाद यानी कि रिएक्शन के बाद अगर आवश्यक हो तो क्रूसिवल में से स्लैग को साफ किया जाएगा यानी कि हर बिल्डिंग करने के बाद अगर क्रूसिवल को दोबारा उपयोग किया जा रहा है तो उसमें जो स्लैग कंटेंट है उसको साफ कर देना चाहिए लेकिन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो रेफ्रेक्टिव मटेरियल है इन्हें, जो हीटिंग हीट को रोकने के लिए उसमें रेफ्रैक्टिव मटेरियल लगाया गया है उसका किसी तरह से नुकसान नहीं हो और अगर कोई नुकसान अगर हो गया है तो आवश्यक पैच की मरम्मत जो रिपेयर काम है उसको कर देना चाहिए ज्यादा खराब हो गया है तो फिर से इस परत को रेफ्रेक्टरी मटेरियल के परत को चढ़ाया जाना चाहिए इनमें से बहुत ज्यादा सवाल नहीं पूछा जाता है लेकिन इसमें से एक सवाल पूछा जा सकता है कि पहले क्यों गर्म किया जाता है पहली बेल्ट करने के पहले क्रिस्टिवल को गर्म क्यों किया जाता है तो नमी को दूर करने के लिए किया जाता है रेल जोड़ को पूर्व गर्म करने के बाद हमने उसे रेल जोड़ को गर्म कर लिया अब क्या करेंगे हमने क्रूसिबल लगा दिया क्रूसिबल में हमने बिल्डिंग पोर्शन डाल दिया और बिल्डिंग पोर्शन को अब हमने पूरा सेटअप करने के बाद कोचर ही मिल गया है तो अब बिल्डिंग पोर्शन को स्पार्कलर के द्वारा जलाया जाएगा और प्रतिक्रिया शुरू होने के लिए इसे केंद्र के शीर्ष भाग में डाला जाएगा यानी कि हमने स्पार्कलर के द्वारा हमने बिल्डिंग पोर्सन को जला दिया अब उसमें रिएक्शन होगा रिएक्शन करने के बाद उसके कंटेंट को कहा डाला जाएगा रेल के जो होल जो गैप बना हुआ है उसमें डाला जाएगा लेकिन ध्यान रखना है कि जो रिएक्शन हो रहा है वो कभी भी तीव्र या उबलती हुई नहीं होनी चाहिए अगर रिएक्शन अनकंट्रोल्ड वे में हो रही है काफी तीव्र हो रही है उबलती हो रही है बहुत धीमे हो रही है तो उस कंडीशन में रिएक्शन होने के बावजूद भी हम उसे पोरिंग नहीं करनी है और उसे हमें आउट टैप कर देना है क्योंकि तो उससे फिर वेल्डिंग कंटेंट हमारा खराब हो जाएगा वेल्ड हमारा खराब हो जाएगा क्योंकि रिएक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है और उसमें स्लैग वगैरह की एंट्री हो सकती है नेक्स्ट इसमें है कि रिएक्शन समाप्त होने के बाद क्रूसिबल में हमने अस्पार्कलर लगाया उसके बाद उसमें रिएक्शन हो गया रिएक्शन होने के बाद उसमें से कुछ हो गए स्लैग कंटेंट्स होंगे तो उसमें से मेटल्स अलग हो जाएगा और स्लैग कंटेंट्स अलग हो जाएगा तो मेटल से जो स्लैग है उसको अलग होने के लिए कम से कम जो समय होता है रिएक्शन कंप्लीट होने के बाद वो तकरीबन तीन सेकेंड का लगभग समय दिया जाता है तीन सेकेंड में उसे स्लैग उससे अलग हो जाता है तो ये परीक्षा में आपसे सवाल पूछा जाता है कि रिएक्शन समाप्त हो जाने के बाद जो स्लैग कंटेंट है उसे मेटल से अलग होने के लिए कम से कम कितना समय दिया जाता है या कितना समय लगता है तो इसके लिए तीन सेकंड का समय लगा लगता है और जिसका कि ये तीन सेकंड में स्लैग अलग हो गया या नहीं हो गया है इसे एक रंगीन कांच होता है उसके माध्यम से क्रूसिबल में देख करके इसको पता किया जा सकता है अमूमन वेल्डर्स जो होते हैं इतने अनुभवी हो चुके होते हैं कि तो उसे सामान्य दृष्टिकोण दृष्टि से भी इस बात का पता लगा लेते हैं कि धातु से धातुमल अलग हो गया है अब पिघली हुई धातु को यानी कि जो मोल्टेन मेटल है उसको डाल दिया गया कहा पोलिंग किया गया है रेल के होल में यानी रेल में जो गैप हमने बनाया हुआ है जो मोल्ड कवर किया हुआ है उसमें तो इसके बाद उसे ठंडा होने के लिए कुछ समय दिया जाएगा इस ठंडे इस हुए पिघली हुई धातु को ठंडा होने के लिए जो समय होता है इसका नाम है मोल्ड वेटिंग टाइम ये ध्यान रखना है ये सवाल अक्सर इसके संबंध में पूछा इसको, इसको बोला मोल्ड वेटिंग टाइम अब ये डिपेंड करता है कि मोल्ड वेटिंग टाइम थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है जो उस रेल सेक्शन कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं और आसपास का टेम्परेचर क्या है किस टेम्परेचर में आप बिल्डिंग कर रहे हैं लेकिन अगर मिक्स मेटल इस्पात रेल के बारे में मिक्स धातु इस्पात के रेल के मामले में अगर वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस कंडीशन में रेल जोड़ के 300 सौ मिलीमीटर तक के एरिया में पूरे रेल सेक्शन को इसमें गर्म किया जाएगा यानी कंट्रोल्ड इसमें से कूलिंग और कंट्रोल हीटिंग की जाती है तो कंट्रोल हीटिंग कूलिंग करने के लिए कंट्रोल कूलिंग करने के लिए तीन सौ एम तक पूरे रेल सेक्शन को गर्म किया जाएगा अब मोल्ड वेटिंग टाइम पूरा होने से ठीक पहले मोल्ड सूक को हटा देना चाहिए ठीक है मोल्ड वेटिंग टाइम पूरा होने से जैसे मोल्ड वेटिंग टाइम पूरा हुआ जैसे ही कंप्लीट होने की स्थिति आई तो मोल्ड शो को हटा दिया जाएगा अब आइए आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल इससे सबसे पहले इसमें क्या है कि अगर आपने मिक्स धातु तो इस पाथ रेल का ले लिया है तो 300 सौ mm एमएम तक आपको पूरे रेल सेक्शन को गर्म करते रहना पड़ेगा इस मोल्ड वेटिंग टाइम में ठीक है मोल्ड वेटिंग टाइम अगर पच्चीस एमएम mm का गैप है मोल्ड वेटिंग टाइम कितना होगा अगर 25 एम का गैप है तो तकरीबन पांच से सात मिनट का है ये लीजिए आपका सवाल आ गया एग्जाम्स के लिए कि मोल्ड वेटिंग टाइम 25 एम गैप के लिए तकरीबन कितना होता है तो वो होता है पांच से सात मिनट और अगर 75 फाइव अगर गैप के लिए मोल्ड वेटिंग टाइम है तो वो होता है बारह मिनट तो ये दो सवाल तीन सवाल यहां पर आपको आ गए यहाँ पर तीन सौ एम यहाँ पर पच्चीस एम mm गैप के लिए पांच सौ पांच से सात एम mm का मोल्ड बेटिंग टाइम और सेवेंटी फाइव एम गैप के लिए मोल्ड बेटिंग टाइम होता है बारह मिनट का अब मोल्ड वेटिंग टाइम अब खत्म हो चुका है उसके बाद मोल्ड को बिना ठोके पीटे आराम से ढंग से ठीक है ना मोल्ड को खटखटाए बिना उपयुक्त और स्वीकृत डिजाइन के बिल्ड ट्रिमर का उपयोग करके ट्रिमिंग की जानी चाहिए यानी कि मोल्ड शू हमने निकाल दिया है अब ट्रिमर का इस्तेमाल करके इसे कट किया जाएगा किसी ऐसी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वेल्ड ट्रिमर खराब हो गया है क्योंकि मैनुअल चिपिंग अलाउड नहीं है तो अगर बिल्ड ट्रिमर खराब हो गया है अगर अब यहां पर स्थिति ऐसी बनती है कि अगर अगर बिल्ड ट्रिमर से नहीं काटते हैं और रिल अगर सही समय पर नहीं काटते हैं तो रिल क्या हो जाएगी वो जम जाएगी पूरी तरह से और फिर उसे काटना संभव नहीं हो पाएगा तो उस कंडीशन में आपात स्थिति में आप मैनुअल चिपिंग का सहारा ले सकते हैं सिर्फ इसी स्थिति इस में आप मैनुअल चिपिंग करेंगे बाकी दूसरे समय में आप मैनुअल चिपिंग नहीं करेंगे तो अगर बेल्ट क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर उसके बाद बेल्ट ट्रिमर्स से काटना संभव नहीं है तो यहां पर आप समझ जाइए कि ऐसे विशेष परिस्थिति दी गई है कि कोई हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है वेल्ड ट्रिमर के अलावा ऑप्शन ही नहीं है तो उस कंडीशन में मैनुअल मैनुअलपिंग हमको लेगा अब मान कोई पुरानी रेल का 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 वेल्ड वेल्ड कर रहे हैं जिसके लिए हमारे पास ट्रिमर नहीं नहीं है उस टाइप उसके उसके हेड कटिंग करने के लिए तो उस कंडीशन में भी आप मैनुअल शिपिंग का सहारा ले सकते हैं ट्रिमिंग ऑपरेशन के दौरान यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि अलाइनमेंट में इस्तेमाल किए गए बिना बेजे बिना ढीले किए अपने उचित स्थान पर हों यहाँ पर यह सवाल देखिए ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या ट्रीमिंग के पहले ट्रीमिंग करने के पहले हटा दिए जाने चाहिए तो यहाँ पर सब आप याद रखें कि ऑपरेशन तक आपको वेजेज नहीं हटाने हैं साथ ही साथ ट्रीमिंग करने स्ट्रिपिंग करने के बाद कम से कम उन्हें 20 मिनट तक उसे नहीं हटाना यानी कि वेजेस को हटाने का समय कब है कि ट्रिमिंग करने के बाद बीस मिनट तक यानी कि ट्रीमिंग करने के बाद 20 मिनट तक आपको उसे को रखे रहना है नहीं तो लो ज्वाइंट बन जाएगा अगर आपने समय से पहले वेजेज हटा दिए तो यहां पर लो ज्वाइंट बनने की संभावना बनी रहेगी इसी चलते ये 20 मिनट तक इसे वेजेस को नहीं हटाया जाता है अब बात हुआ रनर्स और राइजर्स का तो रनर्स और राइजर्स को ठंडा होने दीजिए ठंडा होने के बाद ही उसे हटाया जाएगा इस बात का ध्यान रखना है उसे रेल की ओर धक्का देकर के दस्तक देकर के ठोक करके उसको तो तोड़ना है बाहर की ओर नहीं ये भी सवाल आपको परीक्षा में पूछा जाता है कि रनर्स को अंदर की ओर धक्का देकर तोड़ा जाता है या बाहर की ओर तो एक सवाल यहां पर हो गया दूसरा यह 20 मिनट तक उसे नहीं हटाया जाना चाहिए दूसरा सवाल हो गया मैनुअल चिपिंग सिर्फ स्पेशल केसेज में ही कर सकते हैं यदि बारिश हो रही है तो वेल्डिंग नहीं की जाएगी यानी कि अगर बारिश हो रही है तो बिल्कुल ही वेल्डिंग नहीं की जाएगी और अगर जोड़ के निर्माण के दौरान अगर बारिश शुरू हो जाती है तो हमको प्रॉपर वर्क साइट को कवर करना पड़ेगा और अगर ऐसा नहीं है तो आपको बिल्डिंग रोक देनी चाहिए अब यातायात को गुजरने के लिए बिल्डिंग आपने कर लिया यातायात को गुजरने देना है तो कितनी देर के बाद आप देंगे तो ये सभी आप लोग को याद रहता है कि तीस मिनट के बाद ही हमको पहली गाड़ी गुजरने दिया जाना चाहिए पर यह तीस मिनट का समय कब से काउंट होता है इस बात को ध्यान रखना है तो जैसे ही बेल्ट पोरिंग किया जाता है बिल्ड रिएक्शन होने के बाद बिल्ड कंटेंट को रेल के गैप के अंदर में पोर किया जाता है तो बिल्ड पोरिंग होने के बाद से 30 मिनट के बाद ही आप रेल गुजरने की इजाजत उसके ऊपर से देंगे यानी व्हीकल गुजरने की इजाजत देंगे तो यह ध्यान रखना आपको कि 30 मिनट का समय कब से है कटिंग से है बेल्ट पोरिंग से है कब से है तो बेल्ट पोरिंग से 30 मिनट के बाद ही नए वेल्डेड जोड़ पर से गुजरने की अनुमति दी जाएगी और ग्राइंडिंग का काम खत्म होने तक जो गति प्रतिबंध लगा हुआ है वो लगा रहेगा ऐसा नहीं है कि बगैर ग्राइंडिंग किए हुए हम गति प्रतिबंध हटा देंगे और ग्राइंडिंग बाद में करेंगे तो ग्राइंडिंग जब तक नहीं होता है कंप्लीट उसका रेल का प्रोफाइल प्राप्त नहीं कर लेता है तब तक हम वहां पर स्पीड रिस्ट्रिक्शन को नहीं हटाएंगे अब बिल्डिंग हो चुकी ग्राइंडिंग हो चुकी हमने सारे वेजेस हटा करके इसे फिट भी कर दिए अब जरूरी है कि जो फिनिश्ड वेल्ड है उसके डायमेंशन चेक किए जाए क्योंकि फाइनल रिजल्ट तो यही आएगा कि हमारा जो बेल्ड बना है वो रेल प्रोफाइल के अनुरूप हो तो अब सवाल ये उठता है कि क्या बिल्कुल हंड्रेड परसेंट परफेक्ट हो सकता है तो जब मैनुअल वर्क कर रहे हैं ग्राइंडिंग मैनुअली है कर रहे हैं तो ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल ही परफेक्ट आ जाए तो थोड़े से टोलरेंस उसमें से दिए जा सकते हैं तो वो थोड़े से टोलरेंस अलाउड किए गए हैं वो टोलरेंस क्या है परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है हर परीक्षा में इससे सवाल पूछे जाते हैं तो तैयार वेल्ड पर जो टोलरेंस है उसको मेजर करने के लिए हम सबसे पहले एक स्टेट एज का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें कुल दो प्रकार के स्ट्रेट एजेस का इस्तेमाल किया जाता है एक मीटर का स्ट्रेट एज इस, यानी कि सौ सेंटीमीटर का स्ट्रेट एज और दूसरा स्टेट एज इस्तेमाल किया जाता है दस सेंटीमीटर तो दोनों के डायमेंशन अलग अलग हैं ट्रोल अलग अलग है तो अगर एक मीटर का स्ट्रेटेज अगर इस्तेमाल करते हैं तो वर्टिकल अलाइनमेंट कितना अलाउड है 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 तो 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 वर्टिकल अलाइनमेंट जो है, वो प्लस वन वन तो हो सकता माइनस में नहीं होगा अर्थात लो तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है यहां माइनस जीरो देने का मतलब हो गया है कि लो ज्वाइंट यहां अलाउड नहीं है वर्टिकल में वन एम तक हो सकता है वहीं अगर एक मीटर के स्ट्रेटरेज से लेटर अलाइनमेंट अगर देखा जाए तो लेटरल अलाइनमेंट अगर हम देखते हैं तो लेटरल अलाइनमेंट प्लस माइनस फाइव में क्योंकि आप रेलने देखिए प्लस माइनस फाइव के मतलब है कि अगर इस साइड से अगर चेक करेंगे तो आपको बीच में दिखेगा और इस साइड से चेक करेंगे तो आपको इंड में दिखेगा तो ये माइनस जीरो पॉइंट फाइव से प्लस जीरो पॉइंट फाइव यानी प्लस माइनस जीरो पॉइंट फाइव तक हो जाएगा तो ये वर्टिकल और लेटरल में होगा लेकिन अगर दस सेंटीमीटर के स्टेट से मापा जाए अब अब आपका जो मेजरमेंट एरिया है वो छोटा हो गया है तो यहां पर जो रेंज भी रहेगा भी रहेगा वो भी कम ही मिलेगा तो यहां पर अगर हेड पर देखें जो वर्टिकल अलाइनमेंट हम बोलते हैं यहां पर सिर्फ सतह की फिनिशिंग बोलते हैं हेड फिनिशिंग बोलते हैं तो यहां पर भी लो ज्वाइंट अलाउड नहीं रहेगा जब वर्टिकल अलाइनमेंट में लो ज्वाइंट अलाउड नहीं है तो यहां भी लो ज्वाइंट अलाउड नहीं है तो यहां भी जीरो Mm, mm अधिक अधिक mm यहां पर, पर फिनिशिंग की बात की जा रही है तो यहाँ प्लस माइनस जीरो पॉइंट थ्री एम एम तक यहां पर अनुमत होगा यानी प्लस माइनस जीरो पॉइंट थ्री एम एम तक आप यहाँ पर अलाउ कर पा रहे हैं अब इस को याद करने में अक्सर दिक्कत होती है हम भूल जाते हैं तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाया हुआ है पंद्रह सो तैतालीस पंद्रह सो तैतालीस एक फार्मूला है अगर आप याद रखें तो फिनिश वेल्ड की टॉलरेंस आप इससे याद कर पाएंगे पंद्रह सौ तैतालीस मेरे साथ रिपीट कीजिए पंद्रह सो तैतालीस तो पंद्रह सौतालीस में कैसे याद करेंगे तो शुरू के जो दो आपके पास होंगे वो वन मीटर स्टेट एज के लिए होंगे और लास्ट के जो दो होंगे वो दस सेंटीमीटर स्टेट एज के लिए होंगे शुरू के जो दो वैल्यू होंगे वो वन मीटर स्टेट एज के को डिफाइन करेंगे और सेकेंड वाले दो होंगे वो दस सेंटीमीटर के स्ट्रेट को डिफाइन करेंगे जो पहला वाला होगा वो वर्टिकल होगा दूसरा वाला लेटरल होगा फिर पहला वाला वर्टिकल होगा दूसरा वाला लेटरल होगा ठीक है जैसे मैंने यहां पर थोड़े से मोडिफिकेशन पंद्रह सौतालीस में किए हैं इसमें दो जगह जीरो लगा दिए हैं यानी कि पहले वाले में आपको न्यूनतम कुछ नहीं है सिर्फ प्लस में है तो ये हो गया पीस का मतलब हो गया एक मीटर के स्ट्रेट एज पर वर्टिकल हो गया प्लस जीरो दस सेंटीमीटर के स्ट्रेट एज से जो हेड फिनिशिंग होगी वो प्लस फोर पॉइंट जीरो मिलीमीटर सॉरी जीरो पॉइंट फोर मिलीमीटर और हेड के किनारों की फिनिशिंग होगी वो प्लस माइनस जीरो पॉइंट थ्री mm. मिलीमीटर बार फिर से रिवाइज कर लेता है कि पहला वर्टिकल होगा दूसरा लैटरल होगा तीसरा वर्टिकल होगा चौथा होगा। शुरू के जो दो वैल्यू होंगे होंगे के लिए होंगे जब भी वर्टिकल की बात आएगी तो लो ज्वाइंट अलाउड नहीं है इसलिए लोअर वैल्यू अलाउड नहीं होगा तो यहां पर हो जाएगा वन एम एम यहां पर हो जाएगा सिर्फ यही है छोटे रहेंगे जो लेटर लाइन में हमेशा प्लस माइनस दोनों रहेगा जीरो पॉइंट फाइव में यहाँ पर सिर्फ प्लस जीरो पॉइंट फोर में और इसमें प्लस माइनस जीरो पॉइंट थ्री में तो इस ढंग से आप इसे आसानी से याद कर पाएंगे बस इस पंद्रह सौ तैंतालीस नंबर को याद करें बार बार याद करें पंद्रह सौ तैतालीस और आप इसे आसानी से याद पाए कर पाएंगे ध्यान रखना है कि वर्टिकल में लोअर लिमिट नहीं होगी क्योंकि लो ज्वाइंट परमिटेड नहीं है और कोई कारण नहीं है वर्टिकल अलाइनमेंट में नीचे में जीरो दिया हुआ है तो ये हमें अब भूलिए ही नहीं वर्टिकल का मतलब हो गया कि हम लो ज्वाइंट अलाउ नहीं करेंगे और लो ज्वाइंट अगर अलाउ नहीं करेंगे तो नीचे की वैल्यू इसमें बिल्कुल ही नहीं होगी हाई ज्वाइंट जो होगी इसमें अलाउड होगी तो अलाइनमेंट करने के टाइम में इसमें आप अलाइनमेंट में देखेंगे तो प्लस वन पॉइंट जीरो एम तक अलाइनमेंट में परमिशन मिल सकता है और दस सेंटीमीटर में प्वाइंट फोर में आपको मिल सकता है तो आप देख रहे हैं इसमें वैल्यूज कैसे है देखिए आप इसमें से तीन चार पांच और इधर एक हुआ ऊपर में बड़ा सा पॉइंट थ्री पॉइंट फोर पॉइंट फाइव और वन पॉइंट जीरो तो सब थोड़ा सा भी अगर ध्यान रखें तो इन बातों को बहुत ही आसानी से आप याद कर पाएंगे अभी हम इस वीडियो को यहीं पर विराम देते हैं अगली वीडियो क्लास में हम फिर से बाकी बचे हुए आइटम्स की चर्चा करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद